हे गाइस, कैसे हो सारे? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप पिक्सर एप्लीकेशन का यूज करके कुछ इस टाइप का हेयर स्टाइल एंड व्हाइट फेस फोटो एडिटिंग कैसे कर पाओगे। एंड गाइस, ये वाला फोटो एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है। सिर्फ आप लोग को वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप सिखाया हूँ कैसे आप लोग को ये वाला फोटो एडिटिंग करना है। ठीक है, सो वीडियो को यहाँ पे शुरू से अंत तक देखना। सो वीडियो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है। वीडियो को जल्दी से कर देना एक लाइक। अगर इस चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। ठीक है, आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक ने मेरा इंस्टा आईडी को भी नहीं फॉलो किया तो क्या करो, रे जाओ इंस्टा आईडी को भी फॉलो करो। इंस्टा आईडी का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए वीडियो कहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग को बैकग्राउंड को शेयर करके पिक्सर ऐप के अंदर ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली शेयर करके बैकग्राउंड को पिक्सर ऐप के अंदर ओपन कर लेता हूँ। बैकग्राउंड पिक्सर ऐप के अंदर ओपन होने के बाद आप लोग कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोग को ऐड फोटो के अंदर क्लिक कर लेना है एंड आप लोग को मॉडल को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली मॉडल को ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस, आज हम लोग ये वाला मॉडल का यूज कर लूँगा। ठीक है, सो ये वाला मॉडल को ऐड करने के बाद इस वाला मॉडल का बैकग्राउंड को इरेज कर लेना है। सो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए आज हम लोग कटआउट टूल का हेल्प ले लेंगे एंड कटआउट टूल पे क्लिक करने के बाद आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है आउटलाइन। एंड आउटलाइन को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग फोटो के हिसाब से साइज को रख लेना है एंड कुछ इस टाइप से आप लोग को फोटो का बाहर का साइड को लाइन बना लेना है। सो गाइस, इस तरीके से ठीक ठाक से आप लोग सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को सिंपल यहाँ पे सेव वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, सेव वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद गाइस, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग का मॉडल का बैकग्राउंड यहाँ पे प्रॉपरली इरेज हो गया। सिंपल हम लोग ये वाला बैकग्राउंड के साथ हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली एडजस्ट कर लेता हूँ एंड थोड़ा सा ठीक ठाक से एडजस्ट करने के बाद आप लोग सिंपल यहाँ पे राइट वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, एंड राइट वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को सिंपली ढूंढने है ड्रॉ टूल, क्योंकि ये वाला फोटो के अंदर आज हम लोग इसका शर्ट का कलर को चेंज करेंगे एंड इसका चश्मे के कलर के अंदर एक सीबी जैसा इफेक्ट डाल देंगे। ठीक है, एंड फेस को भी हम लोग व्हाइट कर लेंगे। तो सिंपली हम लोग को वो सारा चीज़ करने के लिए सिंपली हम लोग को ड्रॉ टूल के अंदर जाना है एंड सिंपली फिर से आप लोग को ड्रॉ पे क्लिक कर लेना है। एंड फिर से ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आप लोग सिंपली यहाँ पे जाना है कलर्स वाला आइकन पे एंड पहले नंबर पे हम लोग इसका शर्ट का कलर को चेंज कर लेंगे। ठीक है, जाएंगे हम लोग कलर्स वाला आइकन पे एंड हम लोग सिंपली रेड कलर को सिलेक्ट कर लूँगा। सो आप लोग जो भी कलर करने वाले हो शर्ट के अंदर वही कलर को आप लोग सिलेक्ट कर लेना। तो मुझे रेड कलर अच्छा लगा तो मैं यहाँ पे रेड कलर को सिलेक्ट कर लिया। एंड सिलेक्ट करने के बाद आप लोग ब्रश को थोड़ा सा फोटो के हिसाब से एडजस्ट करके कुछ इस टाइप से आप लोग को शर्ट के अंदर ब्रश कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से कर लेता हूँ। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सो वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे फास्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, इस तरीके से आप लोग ठीक ठाक से मतलब पूरा शर्ट के अंदर एंड चश्मे के अंदर ड्रॉ कर लेना है एंड सिंपली आप लोग को ड्रॉ करने के बाद आप लोग को सिलेक्ट करना है लेयर वाला आइकन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लेयर वाला आइकन पे क्लिक कर लेता हूँ एंड लेयर वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे नीचे मिलेगा नॉर्मल। सिंपली आप लोग को नॉर्मल पे क्लिक कर लेना है एंड नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे डार्क को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली डार्क को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो इस तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, एंड सिंपली ड्रॉ करने के बाद फिर से एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेना है, क्योंकि अभी आप लोग को फेस को व्हाइट कर लेना है। तो सिंपली न्यू लेयर करने के लिए आप लोग सिंपली इस वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है, तो ये वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। ये वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद एक न्यू लेयर आप लोग को तैयार हो जाएगा। सिंपली आप लोग को फिर से जाना है कलर्स वाला आइकन पे एंड इसका व्हाइट कलर को आप लोग सेलेक्ट कर लेना है एंड राइट वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, एंड फोटो के हिसाब से आप लोग ब्रश को एडजस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फोटो के हिसाब से ब्रश को एडजस्ट कर लिया एंड सिंपली हम लोग फोटो को जूम करेंगे कुछ स्टेप से एंड हम लोग यहाँ पे लेयर को हटा देंगे एंड जूम करने के बाद हम इस तरीके से फेस के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, फेस एंड हैंड के ऊपर। सो यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ।
सो गाइस इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा टाइम देकर अच्छे तरीके से फेस एंड हैंड के अंदर ड्रॉ कर लेना, ठीक है, व्हाइट कलर। सो गाइस मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग फेस व्हाइट कर रहे हो ड्रॉ टूल से तो थोड़ा सा टाइम देकर कर लेना, ठीक है। अगर नहीं आप लोग मतलब जल्दीबाजी भी करोगे तो अच्छा नहीं बनेगा, सो टाइम देकर कर लेना। सो इस तरीके से थोड़ा सा टाइम देकर आप लोग ड्रॉ करने के बाद आप लोग सिंपली यहाँ पे लेयर का आइकन पे क्लिक कर लेना है। एंड लेयर का आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोग सिंपली इसका ओपेसिटी को कम कर लेना है, ठीक है, फोटो के हिसाब से रख लेना है। सो मैं यहाँ पे सिंपली इसका ओपेसिटी को रख देता हूँ 24 एंड 25 का राउंड रखने के बाद सो का जैसे कि देख सकते हैं आप लोग का फोटो का फेस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा व्हाइट बन गया है जो हम लोग बनाने वाले थे, ठीक है। सो इसको आप लोग स्मूथ कर लेना है, मैं यहाँ पे बताऊँगा आप लोगों को कैसे आप लोग स्मूथ भी करना है, ठीक है। ड्रॉ टूल के अंदर हमारा दोनों काम हो गया कंप्लीट, ठीक है, जो हम लोग शर्ट के अंदर सी भी इफेक्ट ले आने का था वो भी हो गया एंड फेस व्हाइट करना था वो भी हो गया। सो यहाँ पे हमारा फोटो हो गया कंप्लीट, ठीक है। एंड इस वाला फोटो का आप लोगों को हेयर एंड फेस को स्मूथ कर लेना है, तो उसको लिए आप लोगों को ऑटो डी स्केचबुक एप्लीकेशन का यूज कर लेना है। सो यहाँ पिक्सल ऐप के अंदर हमारा फोटो हो गया कंप्लीट, तो फोटो को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आप लोग कहीं भी ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है, आप लोग सिंपली यहाँ पे थ्री डॉट का आइकन पर क्लिक कर लेना है। एंड थ्री डॉट का आइकन पर क्लिक करने के बाद आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे सेव इमेज, सेम इमेज पे क्लिक कर लेना है। एंड सेव इमेज पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को फोटो यहाँ पे फाइनली गैलरी के अंदर सेव कर लेना है। सो गाइस मैं यहाँ पे गैलरी के अंदर ये वाला फोटो को ओपन कर लिया पिक्सल ऐप के अंदर सेव करने के बाद, ठीक है। सिंपल ये वाला फोटो को भी शेयर करना है ऑटो डी स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर। एंड ऑटो डी स्केचबुक एप्लीकेशन का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इजिली डाउनलोड कर पाओगे। सिंपली फोटो ऑटो डी स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर ओपन होने के इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सिंपली फोटो को जूम कर लेता हूँ क्योंकि हमारा पहले नंबर पे हेयर को बना लेना है। सिंपली जूम करने के बाद आप लोग इस बल आइकन पे क्लिक कर लेना है। एंड इस बल आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने बहुत सारा यहाँ पे ब्रश देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप लोगों को नीचे कोर जाना है, नीचे कोर जाने के बाद आप लोग कुछ स्टेप से ब्रश को ढूंढ लेना है एंड साइड नीचे वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड करने के बाद आप लोग सिंपली जाना है इसके सेटिंग्स पे। एंड सेटिंग पे जाने के बाद आप लोगों को सेटिंग को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे फ्लोर को रख देता हूँ 19% एंड इसको भी रख देता हूँ मैं यहाँ पे 19% एंड 19% रखने के बाद आप लोग फोटो के हिसाब से साइज को रख सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली 12 ले लिया साइज को। एंड मैं यहाँ पे हेयर के ऊपर आप लोगों को चला के दिखाऊंगा किस तरीके से आप लोग को यहाँ पे हेयर को बना लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को हेयर को एडिट कर लेना है। सो मैं यहाँ पे आप लोग को फिर और भी ज़्यादा दिखा देता हूँ किस तरीके से आप लोग हेयर को बना लेना है। सो इस तरीके से आप लोग प्रॉपरली तरीके से आप लोग को हेयर को बना लेना है, थोड़ा सा टाइम देके, ठीक है। सो वीडियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सो मैं यहाँ पे जल्दी से हेयर को बना लेता हूँ। सो गाइस इस तरीके से आप लोग ठीक ठाक से एडजस्ट करके आप लोग हेयर को बना लेना है, ठीक है। सो गाइस जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ पे हेयर को डिजाइन कर लिया। एंड हेयर को डिजाइन करने के बाद आप लोग को आते ही इसका फेस को स्मूथ कर लेना। सो फेस को स्मूथ करने के लिए आप लोग सिंपली वही टूल्स के अंदर क्लिक कर लेना है। एंड आप लोग को सेटिंग को शेप थोड़ा सा चेंज कर लेना है, ठीक है। सेटिंग को आप लोग को इसको फ्लोर को रख देना है 3% एंड इसको भी आप लोग को रख लेना है 3%। तो मैं यहाँ पे सिंपली 3% रख लेता हूँ। एंड फोटो के हिसाब से मैं यहाँ पे साइज को ले लूँगा। एंड साइज को लेने के बाद हम लोग कुछ इस टाइप से यहाँ पे हम लोग ब्रश कर लें। सो गाइस इस तरीके से आप लोग फेस को भी स्मूथ करने के बाद आते इसका साइड का और एक हेयर कट देना, ठीक है, जो स्टाइलिश लगता है बहुत ही ज़्यादा। तो उसको देने के लिए आप लोग क्या करना है, उसको देने के लिए आप लोग सिंपली इस बल आइकन पे क्लिक कर लेना है। इस बल आइकन पे क्लिक करने के बाद इसका सेटिंग को ही आप लोग कुछ चेंज कर लेना है, ठीक है। फ्लोर को रख देना आप लोग को 100% एंड इसको भी रख देना आप लोग को 100% एंड साइज को आप लोग को 4 रख सकते हो, ठीक है, 3 या 4। तो मैं यहाँ पे सिंपली साइज को रख देता हूँ 3-4, ठीक है। 4 रखने के बाद आप लोग सिंपली इस बल आइकन पे क्लिक कर लेना है। एंड इस बल आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोग ये वाला टूल्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड राउंड वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। एंड राउंड वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। स्टेप से एडजस्ट करने के बाद आप लोग को सिंपल यहाँ पे कुछ स्टेप से ब्रश को चला देना है। तो मैं यहाँ पे चला देता हूँ। एंड चलाने के बाद गाइस जैसे कि देख सकते हैं हमारा हेयर कट भी यहाँ पे बन गया कितना आसान तरीके से एंड बहुत ही ईजी है ये वाला एडिटिंग करना, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा हेयर एडिटिंग भी हो गया कंप्लीट एंड फेस भी स्मूथ हो गया।
एंड एक हेयर कट भी हो गया। सो यहाँ पे हमारा फोटो एडिटिंग हो गया कंप्लीट। आप लोग देख सकते हैं बिफोर आफ्टर कैसे लग रहा है अभी फोटो, बहुत ही एकदम मस्त एंड अमेजिंग सा लग रहा है। सो यहाँ पे हमारा फोटो एडिटिंग हो गया कंप्लीट, तो फोटो को सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए आप लोग सिंपली इस वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है। इस वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोग गैलरी के अंदर क्लिक करके सेव पे क्लिक करके फोटो को फाइनली गैलरी के अंदर सेव कर लेना है, ठीक है। सो गाइस, ये वाला फोटो एडिटिंग करने के लिए जो भी मैं बैकग्राउंड यूज किया हूँ उन बैकग्राउंड्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। एंड ये फोटो एडिटिंग करने के लिए मैं दो एप्लीकेशन के यूज किया हूँ, उन सारे एप्लीकेशन के लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। सो गाइस, वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट के बताना। आई होप कि वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर देना एक लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।